प्रदेश में हमारा दौरा चल रहा है, लगभग 80 जिलों को मैं छू चुकी हूँ और बुंदेलखंड में मेरा ये 3 दिन से दौरा चल रहा है। पूरे बुंदेलखंड का मेरा 7 दिन का दौरा है और इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो 2023 का विधानसभा का चुनाव है पूरे मजबूती के साथ हर 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो दिल्ली का मॉडल है शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ घर घर पहुँचेंगे और इस बार मध्य प्रदेश की जनता पूरे बदलाव के मूड में है और पूरा आशीर्वाद सहयोग मिलेगा क्योंकि हम जो मध्य प्रदेश की जनता है वो जब से देश स्वतंत्र हुआ है जब से देख रही है भाजपा कांग्रेस को, लेकिन आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जो उनको चाहिए, तो इस बार जनता समझ रही है। और पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनी थी और किस प्रकार भाजपा की सरकार बन गई, तो इस बार जनता समझ रही है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो भाजपा में जाएगा, भाजपा को वोट देंगे तो कांग्रेस में जाएगा। तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है और पूरा देख रही कि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है और काम करके दिखाती है और हमारा भी यही होता है। आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो मत दीजिएगा। तो हमने दिल्ली में भी करके दिखाया, पंजाब में भी हमारी सरकार है, गुजरात में भी हमारे 5 विधायक है, गोवा में भी 2 विधायक है, इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में भी पूरे शक्ति के साथ पूरे जोश के साथ अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरे हमारे जो राज्यसभा सांसद और महामंत्री हैं सांसद हमारे संदीप पाठक जी उनके नेतृत्व में पूरे संगठन की तैयारी चल रही है और लगभग बूथ स्तर लास्ट तक हम लोग आ गए हैं, तो पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता समझ रही है कि यहाँ पे ना अच्छे स्कूल की कोई है व्यवस्था की, ना अच्छे हॉस्पिटलों की व्यवस्था है, वहाँ पे ना डॉक्टर है ना अच्छी दवाई, अगर कोई घर खुदा ना कर भगवान करे तो घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको बाहर ले जाना पड़ता है, तो कुछ भी बीच में हो सकता है। आज युवा जो युवा भाई हैं वो दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कोई नए उद्योग नहीं खुल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं खुल रहे हैं। आज किसान भाइयों को जो सही समय पे मुआवजा मिलना चाहिए, जो हक है जो हमारे अन्नदाता हैं, आज वो नहीं हो रहा है। महिलाओं की कहीं सुरक्षा नहीं है, आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो मणिपुर में घटना हुई जो 2 महिलाओं के साथ, तो इससे पूरा देश संसार है कि इस तरह की भाजपा की सरकार में कहीं भी महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी 3-4 दिनों पहले आपने देखा कि सतना के मैहर में जो 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उस, तो आप समझ रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कोई उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई भी कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इस बार भाजपा की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और जनता को दोनों हाथों से वो लूट रही है, पूरा भ्रष्टाचार घोटालों में इस बार भाजपा की सरकार पूरी लिप्त हो चुकी है। तो आप समझ रहे हैं कि इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है और आशीर्वाद सहयोग पूरा इस बार आम आदमी पार्टी को मिलेगा। व्यापम घोटाला के बाद दिल्ली की बेटियां सुरक्षित है, दिल्ली की देखिए वहाँ का जो शासन प्रशासन और मोदी जी देख रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। एमपी में पटवारी घोटाला हुआ, उसमें क्या कहेंगी? बिल्कुल आप देख तो क्या एक व्यापम का दूसरा नाम ये घोटाला है, उसमें पूरे तरह घोटाला हुआ। ग्वालियर में कितना जो वहाँ के भाजपा की उनका स्कूल कॉलेज था वहीं से वहाँ पे देखा कि वहीं से बच्चे कहाँ से निकले, तो इस प्रकार का बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। जो उज्जैन का महाकाल है जो इतने करोड़ों का था तो वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो जनता को क्या छोड़ेंगे। सतपुड़ा भवन में आप देखिए कोरोना काल में तो वहाँ पे कितनी फाइलें रखी हुई थी, पूरा उनको जलाया गया कि जला दी गई जो भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की सरकार इस बार पूरी शिवराज जी घबराए हुए हैं और क्योंकि इस बार पूरी जनता बदलाव के मूड में है और बस वो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और